2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको, फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत ज़रूरी है, और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, इतना मीडिया भी नहीं था और न ही इतनी मीडिया में वाइब्रेंसी थी। यानी एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैदान था और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो भाव थे वो जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका गंवा दिया और धीरे 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 डिटोरेशन पर आया। और उस परिस्थिति में 2013 में, जबकि मेरे पर एक आरोप था, इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था, लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और मेरे मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और 5 साल में सरकार चलाना, मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। जन सामान्य का इतना विश्वास, उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं, हम सबके लिए जो काम करने का, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं, उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा, और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूँ तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव, और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूँ। यानी कभी उम्मीद, फिर विश्वास और अब गारंटी। और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के प्रति भरोसा बना है, आखिर विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है, अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है, विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नज़रिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था, लेकिन
स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है, और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है, और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है।